नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं फॉरगेटिंग के पैसेज और उसके क्वेश्चन आंसर का। देखिए यहां से है, ये फर्स्ट पैसेज है, ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लेकर के टू रिमेंबर तक, इसको बुक में मिला लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। What is common according to the author? लेखक के अनुसार कॉमन क्या है, सामान्य बात क्या है? तो लेखक के अनुसार जो है भूलना सामान्य बात है, मतलब सभी लोग भूलते हैं, कुछ न कुछ भूलते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू द author, फॉरगेटिंग इज कॉमन, एवरी पर्सन फॉरगेट लेस आर मोर। नीचे है, व्हाट डज मॉडर्न मैन रिमेंबर, आधुनिक व्यक्ति क्या याद रखता है? तो लेसन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें था कि आधुनिक व्यक्ति जो है टेलीफोन नंबर याद रखता है, अपने मित्रों के पते याद रखता है, क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स मर्डरर्स के नाम याद रखता है, अच्छी मदिराओं के दिनांक तिथियों को याद रखता है, किसके साथ लंच करना है, किसके साथ डिनर करना है उसके अपॉइंटमेंट को याद रखता है। देखिए तो इसका उत्तर होगा इंग्लिश में इस तरह कि अ मॉडर्न मैन कैन रिमेंबर इवन द टेलीफोन नंबर्स, द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, डेट ऑफ गुड विंटेज, नेम्स ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स, एंड ही कैन रिमेंबर द लंच द अपॉइंटमेंट ऑफ लंच एंड डिनर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑन सेल एट ग्रेट लंदन स्टेशन, कह रहा है कि महान लंदन स्टेशन पर सेल, सेल का मतलब होता है बिक्री, ऑन सेल मतलब बिक्री के लिए, कह रहा है कि लंदन के स्टेशन पर बिक्री के लिए कौन सी चीज तैयार है, मतलब क्या बिकने के लिए तैयार है लंदन के स्टेशन पर। तो उसमें था कि साल पूरे साल में यात्री जितना सामान अपना खो गए थे वे सारी उन सारी चीजों की लिस्ट चिपका दी गई थी और वे चीजें जो हैं अब बिकने के लिए लंदन स्टेशन पे तैयार थी। तो इसमें होगा कि द आर्टिकल्स लास्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स इज ऑन सेल एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन। डी है कि एट व्हाट मेनी पीपुल हैव बीन एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, कह रहा है कि एट व्हाट किस बात पर जो है मेनी पीपुल हैव बीन एस्टोनिस्ट, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, किस बात पर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हुए। तो इसमें था कि जिन लोगों ने रेलवे यात्रियों द्वारा खोई हुई वस्तुओं की सूची को पढ़ा उन्हें अपने मित्रों की मतलब लोगों की विस्मृति पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग आखिर इतनी चीजें भूल कैसे जाते हैं। इसका होगा कि मेनी पीपुल हैव बीन एस्टोनिस्ट एट द एब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलो। नीचे वाला पैसेज देखते हैं, एज ए रूल इट इज सपोज लेकर फॉरगेट टू टेक तक, बुक में मैच कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अ रिमाइंडर एंड ऑफ व्हाट, कह रहा कि व्हाट कौन सी चीज शुड बी अ रिमाइंडर, किस चीज को रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला, कौन सी चीज याद दिलाती है एंड ऑफ व्हाट और किसका। तो लेसन में था कि मेडिसिन के बारे में राइटर ने कहा था कि लोग दवाओं को लेना भूल जाते हैं जबकि ये दवाओं को याद रखना सबसे सरल चीज है क्योंकि नियमतः दवाएं या तो भोजन के पहले ली जाती हैं या तो भोजन के साथ ली जाती हैं या भोजन के बाद ली जाती हैं। तो उसका उत्तर रहेगा इस तरह, मील शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ टेकिंग मेडिसिन बिकॉज मेडिसिन इज जनरली टेकन बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द मील। बी है कि क्वेश्चन में बी है कि व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट टेल अस, साइकोलॉजिस्ट मींस होता है मनोवैज्ञानिक हमसे क्या बताते हैं, मतलब इसके बारे में क्या बताते हैं कि हम दवाओं को लेना भूल जाते हैं या चीजों को भूल जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक का कारण क्या बताते हैं। तो मनोवैज्ञानिक का कारण बताते हैं कि हम चीजों को लेना भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि द साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट वी फॉरगेट टू रिमेंबर थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट, क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं। क्वेश्चन सी है,
वाई डू मेनी पीपुल फेल टू रिमेंबर टू टेक मेडिसिन एट द अपॉइंटेड टाइम. कह रहा है कि क्यों जो है मेनी पीपुल बहुत सारे लोग फेल टू रिमेंबर याद रखना भूल जाते हैं टू टेक मेडिसिन दवा को लेना एट द अपॉइंटेड टाइम सही समय पर निश्चित समय पर. क्यों निश्चित समय पर लोग दवाओं को लेना भूल जाते हैं? तो इसका कारण बताया गया था लेसन में कि लोग दवाओं को लेना भूल जाते हैं क्योंकि ये दवाओं से घृणा करते हैं. दवाओं को कोई लेना पसंद नहीं करता क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, इसलिए लोग इसको भूल जाते हैं. इसका उत्तर इस तरह होगा कि मेनी पीपुल फेल टू रिमेंबर टू टेक मेडिसिन एट द अपॉइंटेड टाइम बिकॉज दे हेट मेडिसिन, दे डू नॉट लाइक मेडिसिन सो दे फॉरगेट इट. व्हाट डू यू मीन बाय पिल्स एंड पोशन? पिल्स और पोशन से आपका क्या मतलब है? पिल्स का मतलब होता है गोलियां, पोशन का मतलब खुराक जो लिक्विड में होता है. दवाएं जो है एक टेबलेट में भी आती हैं और एक खुराक रूप में, सिरप रूप के भी रूप में भी आती हैं. तो इन दोनों का मतलब जो है मेडिसिन से है, दवाओं से है. इसका मतलब ये होगा, आंसर होगा कि पिल्स एंड पोशन मीन्स मेडिसिन. पिल्स और पोशन मतलब दवाओं से है. नेम द ऑथर ऑफ द लेसन. इस लेसन के ऑथर का नाम बताना है, लेखक का, फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे पैसेज लिया गया है. तो इसको, इस लेसन को लिखने वाले राइटर का नाम बताना है. देखिए ये राइटर जो है, राइटर का नाम रॉबर्ट लिंड है. तो इसका उत्तर होगा कि द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन इज रॉबर्ट लिंड. ऐसे लिख सकते हैं द नेम ऑफ द राइटर इज रॉबर्ट लिंड. इसके बाद देखिए ये पैसेज है, द कॉमनेस्ट फार्म ऑफ से लेकर रिमेंबर टू राइट. ये नीचे क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द कॉमनेस्ट फार्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस? कॉमनेस्ट फार्म मतलब सबसे सामान्य स्वरूप. फॉरगेटफुलनेस मतलब विस्मृति, मतलब भूलने का सबसे सामान्य स्वरूप क्या है? राइटर के अनुसार कौन सी ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति अधिकांश भूलता है? तो लेसन के अनुसार जो है पत्रों को डाक में डालने के मामले में व्यक्ति ज्यादा भूलता है. इसका उत्तर होगा कि द कॉमनेस्ट फार्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर. बी है, वाई इज द ऑथर अनविलिंग, अनविलिंग मीन्स अनिच्छापूर्वक, टू ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, एनी वन टू पोस्ट लेटर. कह रहा है कि क्यों जो है ऑथर, लेखक जो है, अनविलिंग टू ट्रस्ट एनी वन, किसी पर भी अनिच्छापूर्वक विश्वास करता है, टू पोस्ट लेटर, एक लेटर को पोस्ट करने के देने के लिए. एक लिस्ट इसमें कहता है कि एक राइटर जो है क्यों किसी दूसरे व्यक्ति पर यदि उसको कोई पत्र डाक में डालने के लिए देना होता है तो वह क्यों अनिच्छा पूर्वक विश्वास करता है, मतलब उसका मन नहीं करता लेकिन उसे विश्वास करना पड़ता है. इसका मतलब वह लेटर को उसको देता है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि वो उसको पोस्ट में डाक में डालेगा कि नहीं. तो इसमें ये रहेगा, इसका उत्तर रहेगा कि आथर अनविलिंग टू ट्रस्ट एनी वन टू पोस्ट ए लेटर बिकॉज ही हैज अ वेरी लेस लेस बिलीफ अपॉन द मेमोरी ऑफ द विस्टर. ही हैड नॉट मच बिलीव अपॉन द मेमोरी ऑफ द अदर्स पीपुल. वाई डज द ऑथर डू विद द लेटर्स ऑफ अदर? वाट डज द ऑथर डू विद द लेटर्स ऑफ द अदर? कह रहा है कि ऑथर जो है दूसरों के पत्र के साथ क्या करता है? तो लेसन में था, राइटर कहता था कि और मुझे कोई एक दूसरा व्यक्ति पत्र देने के लिए डाक में डालने के लिए देता था तो मैं प्रायः प्रथम पिलर बॉक्स से आगे निकल जाता था, तब जाकर के मुझे याद आता था कि नहीं मुझे पत्र को डाक में डाल देना चाहिए, लेकिन लेकिन मैं अक्सर उसको भूल जाता था और सुरक्षा के लिए मैं उसे अपने जेब में रख लेता था और तब तक वह मेरे जेब में सुरक्षित रूप से पड़ा रहता जब तक कि एक लंबा समय बीतने के बाद मुझसे जो उसके बारे में कई प्रश्न पूछे पूछे जाते, तब जाकर के राइटर को मजबूरन उस पत्र को अपने जेब से बाहर निकालना पड़ता और बताना पड़ता कि नहीं मैं इसको डाक में डालना भूल गया. देखिए इसका रहेगा कि द ऑथर पास्ट फ्रॉम द फर्स्ट पिलर बॉक्स देन ही रिमेंबर दैट ही माइट हैव पोस्टेड इट. टाइम
tiring of bearing it in his hand, he put it in his pocket for the safety and he forget it about it. डी वाला है कि गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिलेक्टेंट एंड रिमेंबर. ये कह रहा है कि रिलेक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छापूर्वक एंड रिमेंबर मीन्स होता है याद करना है. इन दोनों का एंटोनिम्स बताना है. विलोम तो रिलेक्टेंट का विलोम होगा, इसका मतलब अनिच्छापूर्वक तो इसका होगा इच्छापूर्वक. रिलेक्टेंट का होगा विलिंगली इच्छापूर्वक, और रिमेंबर में याद करना होता है तो इसका होगा फॉरगेट भूलना. देखिए इस सी वाले क्वेश्चन का एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि व्हाट डज द ऑथर डू विद द लेटर ऑफ अदर्स. ऑथर जो है दूसरों के पत्रों के साथ क्या करता है, उसका फिर से बता दे रहा हूं कि व्हेन एनीवन गिव्स ए लेटर टू द राइटर टू पोस्ट, राइटर फॉरगेट इट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, देन ही पुट द लेटर इन हिज पॉकेट फॉर सेफ्टी एंड ही फॉरगेट अबाउट इट. देखिए नीचे वाला है द फिशिंग रॉड से लेकर मेडियोकर तक. व्हाई इज द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी फॉरगॉटन, क्यों जो है मछली मारने का काटा फॉरगॉटन भुला दिया जाता है. मछली मारने का काटा क्यों भुला दिया जाता है. लेसन में था कि जो मछुआरा जब दिन में मछली मारने के बाद घर लौटता तो वह जो है अपने ख्यालों में इतना खोया रहता, अपने अपनी कल्पना के मछली मारने के काटे के बारे में वो इतना सोच रहा होता कि उसका वास्तव में असली मछली मारने का काटा भूल जाता. तो इसका उत्तर होगा कि द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय द एंजलर्स एज ही लॉस्ट डे ड्रीमिंग अबाउट द फिशिंग रॉड ऑफ हिज इमेजिनेशन. जब अपने कल्पना की फिशिंग रॉड के बारे में सोच रहा होता तो उसका वास्तविक काटा जो था फिशिंग रॉड वो भूल जाता. बी है कि हाउ इज हिज लॉस ऑफ मेमोरी रियली ट्रिब्यूट, किस प्रकार उसकी हिज लॉस ऑफ मेमोरी उसकी स्मृति की हानि रियली ट्रिब्यूट, वास्तव में एक श्रद्धांजलि होती है. किस प्रकार उसकी स्मृति की हानि वास्तव में एक श्रद्धांजलि होती है. उसका ये कहने का उत्तर होगा, उसका ये होगा कि द हिज लॉस ऑफ मेमोरी रियली ट्रिब्यूट बिकॉज ड्यू टू लॉस्ट इन द इमेजिनेशन द एंजलर्स फॉरगेट हिज रियल फिशिंग रॉड. व्हाई डज द अब्सेंट माइंडनेस सीम टू बी वर्च्यू टू द ऑथर, कह रहा है क्यों जो है अब्सेंट माइंडनेस ऑथर को एक वर्च्यू लगता है. वर्च्यू माने होता है गुण. कह रहा है क्यों भूलना जो है ऑथर को एक गुण लगता है. इसमें यह था कि जो व्यक्ति भूलता है वो अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर रहा होता है, अपने जीवन का आनंद ले रहा होता है, इसलिए वह चीजों को याद करना भूल जाता है. इसका उत्तर इस तरह होगा कि द अब्सेंट माइंडनेस सीम्स टू बी वर्च्यू टू द ऑथर बिकॉज सच पर्सन आर मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ देन ही फॉरगेट टू रिमेंबर द थिंग्स. डी है कि वाई डज ए पोएट फॉरगेट टू पोस्ट लेटर, पोएट जो है लेटर को पोस्ट करना क्यों भूल जाता है. तो उसका भी सेम उत्तर उसी तरह से मिलेगा कि वाई डज ए पोएट फॉरगेट टू पोस्ट लेटर, क्यों पोएट जो है पत्रों को डाक में डालना भूल जाते हैं. इसका कहने का ये मतलब है कि जो पोएट होता है वह जो है और कल्पनाशील व्यक्ति होता है, इसलिए वह पत्रों को डाक में डालना भूल जाता है. अ पोएट फॉरगेट, सॉरी यहां पर जो है ये गलत दे दिया है, यहां पर रहेगा राइटर रहेगा, क्योंकि पोएट का वहां पर वर्णन नहीं किया गया था, यहां पर राइटर रहेगा. राइटर पत्र को डाक में डालना क्यों भूल जाता है. इसका उत्तर ये होगा कि द राइटर फॉरगेट टू पोस्ट लेटर बिकॉज ही वॉज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा होता है, वो अपने इमेजिनेशन में खोया रहता है और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वह इन छोटी चीजों को ध्यान नहीं रखता और वह भूल जाता है. देखिए लास्ट पैसेज है, अ मैन दे से ऑफ द ट्रूथ, यहां से
वाट एफ द मैन विथ फैलिबल मेमोरीज ट्राई टू प्रूव फैलिबल मेमो कह रहा है मैन विथ फैलिबल मेमोरी मतलब खराब स्मृति वाले लोग, मैन विथ फैलिबल मेमोरी का मतलब खराब स्मृति वाले लोग, प्रूव ट्राई टू प्रूव माने साबित करने की कोशिश करना, कह रहा है कि खराब स्मृति वाले लोगों ने क्या साबित करने की कोशिश की। तो उसमें लेसन में था कि कभी कभी ऐसा उल्लेख मिला था कि खराब स्मृति वाले लोगों ने अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। इसमें होगा कि द मैन विथ फैलिबल मेमोरीज ट्राई टू प्रूव देयर सुपीरियरिटी, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास किया। व्हाट डू दे से ऑफ ए मैन, कह रहा है कि देख मतलब लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं, हुज मेमोरीज परफेक्ट, जिसकी स्मृति जो पूर्ण होती है, उस लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं जिसकी मेमोरी पूर्ण होती है, मतलब जो एकदम याद करने वाला व्यक्ति होता है, जो एकदम मशीन की तरह याद करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। तो लेसन में जो था कि ऐसे कई केसेस मिले हैं कि कोई कोई व्यक्ति जो है जिसकी मेमोरी बहुत तेज है, एकदम याद कर लेता है, लेकिन लेकिन जब उसका परीक्षण किया गया तो ये जरूरी नहीं था कि वो सबसे तेज व्यक्ति था, खराब स्मृति वालों ने भी अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। इसका उत्तर ये रहेगा कि दे से ऑफ मैन हुज मेमोरी इज परफेक्ट इज नॉट अ मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, वह व्यक्ति जो उसकी मेमोरी पूर्ण है जरूरी नहीं कि वह जो है प्रथम बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति हो। सी है व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन दिस इश्यू, कह रहा है कि राइट इस विषय पर राइटर की क्या ओपिनियन, राइटर की क्या राय है। तो राइटर जो है ये नहीं मानता है कि जिसकी मेमोरी कमजोर है उसके पास विवेक की कमी है या उसके पास इंटेलिजेंसी की कमी है। खराब स्मृति वाला भी व्यक्ति जो है अच्छी स्मृति वाले से तेज बुद्धि का हो सकता है। इसका होगा द राइटर हैज ओपिनियन ऑन दिस इश्यू दैट द पर्सन ऑफ ए वीक मेमोरी इज नॉट नेसेसरी दैट ही मे हैव लेस इंटेलिजेंसी। डी है व्हाट डज द राइटर सेज, राइटर क्या कहता है अबाउट द मेमोरीज ऑफ स्टेट्स मैन, ये यहां पर गलत लिखा है, सही स्पेलिंग ये है, कह रहा है कि व्हाट डज द राइटर से, राइटर क्या कहता है अबाउट द मेमोरी ऑफ स्टेट्समैन, राजनीतिज्ञों की स्मृति के बारे में। उसमें दिया गया था, एक जो राइटर लिखा था कि राजनीतिज्ञों की मेमोरी सबसे खराब होती है, क्योंकि यदि उन्हें कोई घटना को याद करने दिया जाए तो वे दोनों से पूछा जाए तो बताएंगे कि नहीं, तो दोनों के कथन में बहुत अंतर होगा। उसका कारण ये बताया था राइटर ने, या तो वे वास्तव में उनकी स्मृति छलनी की तरह होती है जिसमें कुछ टिकता ही नहीं, या वे जानबूझकर सत्य को तोड़ते और मरोड़ते हैं। तो इसका इस तरह होगा कि द राइटर से अबाउट द मेमोरी ऑफ स्टेट्समैन दैट देयर मेमोरी इज लाइक ए सीव दैट डज नॉट कंटेन एनीथिंग, उनकी मेमोरी जो है सीव की तरह छलनी की तरह होती है जो अपने अंदर किसी चीज को रख नहीं सकती। धन्यवाद मित्रों।